महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शिवसेना नीत महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर 25 विधायकों ने बागी तेवर अपना लिया है। मंत्रियों के व्यवहार से खफा इन विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि गठबंधन सरकार की तो छोड़िए, यदि हमारे मंत्री ही हमारी नहीं सुनेंगे तो आगामी चुनावों में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएगी। इन विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की है ताकि चीजें बिगड़ने से पहले संभल जाएं। विधायकों का कहना है कि कांग्रेस के मंत्री हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे हमसे तालमेल नहीं बना रहे हैं। वहीं कुछ विधायक महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री, खासकर कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन आज सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया जाएगा। मंगलवार को विपक्ष की तीखे तेवरों के चलते सदन स्थगित करना पड़ा था। आज सरकार पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। वहीं विपक्ष भी सदन में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। सदन की शुरुआत सबसे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि देकर हुई। सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इससे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि दी गई थी। खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री धामी सदन के अंदर थे और विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सोपोर के सीआरपीएफ बंकर के सामने हिजाब पहनकर आई एक महिला ने पेट्रोल बम फेंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें महिला बैग से पेट्रोल बम निकालकर फेंकती नजर आ रही है। वीडियो में बंकर में लगी आग को बाद में सीआरपीएफ कर्मी बुझाते दिख रहे हैं। खबरों के अनुसार कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने आज कहा है कि सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर बम फेंकने वाली महिला की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना व्यक्त की गई है। आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढांचा बना रहे हैं और इसके लिए नया समझौता भी कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार को 8वीं बार बढ़े। पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। याद दिला दें कि उपचुनाव के बाद 4 नवंबर 2021 को केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर टैक्स घटाकर जो राहत दी थी उसका असर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि बीते 9 दिनों में पेट्रोल 5 रुपये 60 पैसे महंगा हो चुका है। अक्टूबर 2021 में 13 राज्यों के 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिले थे। उसके बाद पेट्रोल पर 5 रुपये का टैक्स घटाया गया था। वहीं हाल ही में हुए यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, दाम स्थिर बने हुए थे। चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के बाद से इनके दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है, जबकि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं। मंगलवार को कच्चा तेल 6.79% गिरावट के साथ $104.84 प्रति बैरल रहा। यह उच्चतम स्तर से 31% कम है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लगातार जारी है। प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना है। कुर्सी बचाने के लिए हर हथकंडे अपनाने के बावजूद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मंगलवार देर रात इमरान को एक बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी PTI की प्रमुख सहयोगी दल मुताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQM और विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के बीच एक डील हुई है। इसके तहत MQM इमरान खान से समर्थन वापस लेगी। PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करके बताया कि संयुक्त विपक्ष और MQM एक समझौते पर पहुंच गए हैं। बताते चले कि इमरान खान सरकार के खिलाफ 31 मार्च से विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इसके बाद 3 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन अब जो समीकरण बन गए हैं उसके हिसाब से इमरान खान के लिए बहुमत साबित करना असंभव हो गया है। रूस यूक्रेन जंग का आज 35वां दिन है। इस दिन के साथ युद्ध विराम की उम्मीद भी
जगी है। दरअसल दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को इस्तांबुल में मुलाकात की थी। यहाँ कीव और चर्निहिव पर हमले कम करने को लेकर सहमति बनने की खबर है। खास बात यह है कि इस वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधी मुलाकात की उम्मीद भी जगी है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के कीव व चर्निहिव में हमले कम करने का वादा किया है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में उसने बमबारी जारी रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव, जाइतोमिर, खारकीव, देनिप्रो, पोल्टावा में कई जगह पर धमाके जारी हैं। 35वें दिन के युद्ध के बीच आ रही खबरों पर फिलहाल संशय बना हुआ है। हालांकि युद्ध की आंच तब कुछ कम होती नजर आई जब रूसी सैनिकों के कीव से पीछे हटने की खबर आई, लेकिन यूक्रेन के जनरल स्टाफ का कहना है कि रूस यूक्रेनी आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ कुछ यूनिट्स का रोटेशन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कीव के आसपास दिख रही रूसी सेना की मूवमेंट उसकी वापसी का नहीं बल्कि रीडिप्लॉयमेंट यानी सैनिकों की एक नए सिरे से तैनाती का संकेत दे रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में बमबारी कर रहे हैं जिससे तमाम शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूरोप समेत चीन में कोरोना फिर से लौट आया है। इसका नया वेरिएंट चीन में आए दिन नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। लगातार बढ़ते मामलों के चलते लगाए जा रहे लॉकडाउन से चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ने लगी है। वित्तीय केंद्र होने के कारण शंघाई में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को लुढ़कने से भी सबसे ज़्यादा आशंका बताई जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए ऑफिस में ही रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। शंघाई के लुजियाझुई जिले में करीब 20,000 कर्मचारी, बैंकर्स और व्यापारी दफ्तरों में ही रह रहे हैं। उनके लिए यहीं पर सोने की व्यवस्था की गई है। स्लीपिंग बैग के साथ साथ खाने का भी इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन लगने से पहले ही इन कर्मचारियों को दफ्तर बुला लिया गया था। बता दें कि शंघाई का लुजियाझुई शहर शेयर, बॉन्ड, विदेशी मुद्रा का चीन का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ पिछले साल 2500 ट्रिलियन युआन यानी 292 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वित्तीय लेन देन हुआ था।